अस्सलाम वालेकुम लीबियो टोडलर्स के व्यूज, आज तराबरी ने चिड़ियों के लिए दाना और पानी डाला, जिसको माशाल्लाह काफ़ी चिड़ियाँ परिंदे वगैरह रोज़ आके माशाल्लाह इंजॉय करते हैं खाते पीने। ये हमारी डेली रूटीन में हमने शामिल किया हुआ है। तराबरी और मशल फातमा डेली अपनी रूटीन में इनका यही पहला काम होता है, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके दैन फिर वो छत पर जाते हैं और चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी चिड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं, मज़ीद और भी परिंदे आते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे। तो ये आप लोग भी चाहिए, आप लोग को अपने छोटे बच्चों को, क्योंकि अभी गर्मी शुरू होने वाली है तो इसका सवाब का सवाब है। और ये कि चिड़ियाँ परिंदे वगैरह जितने भी होते हैं, कौवे चिड़ियाँ चीले वगैरह मछली आके पानी पीते हैं, दाना खाते हैं, तो ये आप लोग भी करें। आज का जो ब्लॉग है मेरा, तुराब अली और मछली फातमा के साथ हम आज गए थे लीफ कलेक्ट करने, ड्राई लीव्स। तो ये आप देख सकते हैं कि मशल फातमा और तुराब अली डिफरेंट टाइप्स के लीव्स जो हैं, टाली के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं और पिपल के भी पत्ते हैं इसके बीच में, जो हमें ड्राई लीफ आज मिलेंगे हम उसको कलेक्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम जो कलेक्ट कर रहे हैं, हम इसको यूज़ करेंगे खाद के लिए। उसके लिए भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ब्लॉग बना रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे हम किस तरह घर में आप बैठे बैठे आप खाद बना सकते हैं। अपने टोटल वेस्टेज होता है किचन का, आइदर वो आपके वेजिटेबल्स के छिलके हों, आपके एग्स के छिलके हों, आपकी यूज़ की हुई पत्ती हो, जो भी आपको घर का जो वेस्टेज है उसको आप यूज़ कर सकते हैं खाद के लिए। तो यहाँ पे देखें तुराब अली और मशल फातमा जो है वो मछला लीव कलेक्ट कर ही जा रहे हैं। घर से मैं पॉकेट ले आया था इन लोगों के लिए, मैंने कहा था इसके अंदर आप कलेक्ट कर लो, ईजी टू पिक है, ये आराम से उठा भी सकते हैं। तो जहाँ जहाँ इनको नज़र आ रहे हैं मछला, जितना जितना इन लोगों से हो सका इन्होंने किया है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी काम होते हैं इनके हाथ से करें, ताकि इनको एक्सपीरियंस भी होता रहे और पता भी चल जाए, साथ में इन्फॉर्मेशन भी इनको मिलती रहे साथ साथ कि हम ये जो चीज़ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। साथ साथ ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी भी रहती है, बच्चे एक्टिव रहते हैं, मछला दिलचस्पी दिखाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या चीज़ किसके लिए यूज़ होती है। तो हमारी कोशिश ज़्यादा भी ये भी थी कि चलिए तो खाद तो बनेगी बनेगी इंशाल्लाह, क्योंकि जब लीफ जो इकट्ठे हो जाते हैं, काफ़ी लोग जो होते हैं उसको जमा करके आग वगैरह लगा देते हैं, जो घर में जो बैठे होते हैं, कोई मरीज़ है, कोई सांस का मरीज़ है, उसके लिए फिर दुश्वारी ना हो, मुश्किल ना आए। तो इसलिए हमने जितना हो सके हम ये इसको पिक करेंगे, जिस तरह तुराब अली और मशल फातमा भी पिक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको हम ज़रूर दिखाएँगे अपना हमने खाद की सलाह बनाई है। तब तक के लिए बाय बाय, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।